अस्सलाम वालेकुम गाइस। सो आज हम बना रहे हैं गाजर का हलवा। तो ये गाजर मैंने कद्दूकस करके रख ली है। हम इसको ऐसे ही रखेंगे कढ़ाई में, ताकि इसका पानी थोड़ा सा मतलब कि ख़त्म हो जाए। हम इसको गाजर को हमने धुल लिया है और धुलने के बाद अब कढ़ाई में डाल रहे हैं। अब हमने ये कढ़ाई उसमें गैस पे चढ़ा दी है, फुल फ्लेम मतलब स्लो फ्लेम है, क्या तेज भी नहीं है। अब हम इसको ऐसे ही गैस पे भूनेंगे जब तक इसका पानी नहीं ख़त्म हो जाता, तब तक हमें इसको भूनना होगा। तो हमने इसको थोड़ा सा चला देना है और चला कर रख देना है 20-30 मिनट के लिए। रख दिया था और अभी देखिए इसका पानी पूरा ख़त्म हो चुका है और हमारी गाजर भी गल चुकी है काफ़ी। अब हम इसमें दूध डालेंगे, 1 गिलास दूध है, तो इसको हमें डाल के थोड़ा सा चला देना है। और चलाने के बाद हमें इसको फिर से वैसे ही भूनने के लिए रख देना है 20 मिनट के लिए, इसको रख देना है। अब 20 मिनट बाद फिर हमने देखा है, तो देखिए अभी दूध है इसमें है हल्का, अभी हमें इसमें और भूनना पड़ेगा। पर हमें इसमें साथ में शक्कर भी डाल देते हैं, 1 कप शक्कर है तो हमने 1 कप शक्कर को भी मिला दिया है। अब हम इन दोनों को ही ऐसे शक्कर को मेल्ट होने के लिए और दूध को भूनने के लिए हम इसको ऐसे छोड़ देंगे 20 मिनट बाद फिर देखेंगे। तो हम 20 मिनट बाद फिर इसको ओपन करते हैं, देखते हैं कि दूध भी पूरा ख़त्म हो चुका है, शक्कर भी मेल्ट होकर मिल चुकी है। अब हम इसमें थोड़ा सा खोआ डालेंगे। खोआ ज़्यादा पसंद तो नहीं है मुझे, पर फिर भी थोड़ा सा डाल देते हैं। थोड़ा सा हम इसमें खोआ डाल देंगे और फिर इसको हम वापस से चला देंगे। मुझे गाजर का हलवा बनाना नहीं आता है, पहली बार बना रही हूँ, इंशाल्लाह अच्छा ही बनेगा। सो हम इसे चला दें और थोड़ा सा घी डालेंगे। टेस्ट के लिए घी बहुत ही ज़रूरी है। घी वैसे मैं खाती नहीं हूँ लेकिन फिर भी टेस्ट के लिए बहुत ज़रूरी है। सो हमने घी डालकर अब हमें इसको सिर्फ इसको भूनना है, सिर्फ चलाते हुए भून, छोड़ना नहीं है वरना ये नीचे लग जाएगा। बस उसको चलाते ही रहना है। तो कम से कम 15 मिनट इसको चलाया मैं है। 15 मिनट के बाद ये अच्छे से कलर भी आ गया था। तो अभी हमारा ये भुन चुका है, हम इसको सर्व करते हैं, टेस्ट करते हैं कैसा है कैसा नहीं है। सो जैसे ही मैंने ये फर्स्ट बाइट ली मुझे बहुत डर लग रहा था, पर इंशाल्लाह हमारा रवा बहुत ही अच्छा हलवा बना था, बहुत ही अच्छा लगा टेस्ट मुझे। पहली बार में इतना अच्छा बन गया यकीन नहीं हो रहा था।